in time i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back what's my purpose what do i grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief some... hello everyone welcome back to my channel उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज है छुट्टी का दिन तो मैंने फिर से प्लान किया है कि मैं अपने कुछ एक प्लांट्स की कटिंग और रिपोर्टिंग की जिनको ज़रूरत है वो करूँगी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपने प्लांट्स को रीपॉट किया था और कटिंग की थी तो वो वीडियो आपको पसंद आया था अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी ऊपर भी आ जाएगा आई बटन में तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे मैरीगोल्ड प्लांट्स को बहुत सारे गेंदे के पौधों को लगाया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपडेट दूंगी जब इनके ऊपर फ्लावर आ जाएंगे तो फ्लावर तो अभी नहीं आए हैं लगभग पंद्रह दिन हो गए हैं रिपोर्टिंग किए हुए लेकिन उन पर बर्ड्स आ गए हैं काफ़ी अच्छे और रोज़ प्लांट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई है तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ और उसके बाद हम अपना बाकी का वर्क करेंगे तो ये हैं गेंदे के पौधे और आप देख सकते हैं कितने प्यारे फ्लोरल बर्ड्स इन पर आ गए हैं यानी कि इन पर कलियाँ आ गई हैं और कुछ दिनों में इनके फूल बन जाएंगे और ये देखिए ये कली तो लगभग खिलने ही वाली है और इस पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है तो सारे पौधे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये है मेरा गुलाब का पौधा और ये जो बॉन्डिंग जूस में उगा हुआ है ना इसने इसको बिल्कुल ख़राब कर दिया था एकदम मुरझा गया था ये पौधा तो आप देख सकते हैं कि पंद्रह दिनों बाद इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ आ गई है नए पत्ते आने लगे हैं अभी छोटे छोटे हैं लेकिन आ गए हैं काफ़ी हेल्दी ग्रोथ इसमें दिख रही है बहुत अच्छा लग रहा है अभी बर्ड्स नहीं आई हैं इसमें कुछ दिनों में आ जाएंगी तो वो भी दिखाऊँगी मैं आपको तो अगर हमें लगता है कभी कि पौधा मुरझा गया है तो अगर हम उसकी थोड़ी सी केयर करें ना तो उसमें नई जान आ जाती है तो मैंने इसमें से बॉन्डिंग जू निकाल दिया था और थोड़ी सी खाद डाल दी थी तो उसके बाद अब इसमें ग्रोथ आ गई है और अब बात करते हैं स्नेक प्लांट की तो ये स्नेक प्लांट का पौधा है जो मैंने रिपोर्ट किया था ये बहुत सारे उगाए थे एक ही गमले के अंदर तो मैंने इन सबको अलग अलग गमलों में लगा दिया था और ये सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा कुछ पत्तियाँ इसमें मुरझा गई हैं लेकिन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और ये जब बड़े हो जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी आपको तो ये है जेद प्लांट और इसकी कटिंग और रिपोर्टिंग हम आज करेंगे आप देख सकते हैं इस गमले में भी जेत प्लांट बहुत ज़्यादा उगा हुआ है काफ़ी ओवर क्राउडेड है तो हम क्या करेंगे इसमें से कटिंग करके पौधे निकाल लेंगे और उनको दूसरे गमलों में लगा देंगे और उसके बाद जो भी गुड़ाई वगैरह करनी होगी वो हम कर देंगे तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक पौधा जो मैंने काफ़ी दिन पहले उगाया था ये जेद प्लांट है मैंने कटिंग से लगाया था ये और देखिए कितना अच्छा कर रहा है ये बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है जेद प्लांट एक लीस्ट मेंटेनेंस वाला पौधा है और ये भी एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है और सेक्युलर फैमिली को बिलोंग करता है तो जहाँ पौधे रखे हैं वहाँ पर आ रही है बहुत तेज़ धूप तो अगर हमने यहीं पर काम किया तो आज हमारा पापड़ बनना तय है तो मैं क्या करूँगी सबसे पहले गमलों को शिफ्ट कर लूँगी एक शेडी स्पॉट पर और उसके बाद वहाँ पर बैठ हम अपना सारा काम करेंगे तो सब गमलों को ले चलते हैं और काफ़ी भारी है गमले बहुत मेहनत हो गई इनको उठाने में लेकिन चलिए कोई बात नहीं nauseous, hard, rise... तो सबसे पहले हम प्लांट की कटिंग करेंगे तो इसमें जो ब्रांचेस निकल आई हैं, हैं, लंबी हो गई हैं। इनको हम सीजर्स की हेल्प से काट लेंगे और इस तरह से कटिंग करके हम इससे बोनजाई भी बना सकते हैं या फिर हम टोपियारी भी बना सकते हैं वो फिर कभी बनाएंगे हम तो आज तो मैं सिर्फ इसकी कटिंग कर लूंगी so और ये सारी कटिंग्स मैंने निकाल ली है नए प्लांट्स उगाने के लिए तो अब कैसे सेलेक्ट करेंगे इसमें से दिखाती हूँ मैं आपको ये देखिए ये जो कटिंग है ना आप देख सकते हैं काफ़ी मुरझा गई है इसकी पत्तियाँ भी बहुत पतली हो गई हैं तो हम ये वाली कटिंग नहीं लेंगे तो जो हम कटिंग चूज़ करेंगे ना नए प्लांट उगाने के लिए वो हेल्दी होनी चाहिए यानी कि उसकी जो ब्रांच है वो काफ़ी मोटी होनी चाहिए प्लस उसकी लीव्स जो हैं वो भी फ्लैशी और बहुत मोटी होनी चाहिए तो वही टहनियाँ हम यूज़ करेंगे so जेस प्लांट को उगाने के लिए तो मेरे any... पास ये कुछ एक पॉट्स हैं इनको मैं सबसे पहले खाली कर लूंगी और इनके अंदर जो प्लांट उगे हुए हैं सिंगोनियम और मनी प्लांट वगैरह ये मेरे पास और भी बहुत सारे हैं और इनको मुझे रखना है छत पर तो छत पर ये पौधे नहीं चलते हैं इसलिए मैं इन्हीं गमलों को दोबारा से यूज़ कर लूँगी वॉश करके और ये मैंने लिया है कोकोपीट कोकोपीट होता है नारियल का जो ऊपर वाला छिलका होता है ना मोटे वाला उसका चूरा होता है और जब हम इसे मिट्टी में मिलाते हैं तो ये मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखता है मिट्टी को जल्दी से सूखने नहीं देता है तो इसीलिए कोकोपीट को मिलाया जाता है और ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, यानी कि खाद तो दोनों को मैंने इक्वल इक्वल क्वांटिटी में लिया है मतलब जितना मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है उतना ही मैंने कोकोपीट भी लिया है तो दोनों को मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी और फिर इसमें मिलाऊंगी मैं गार्डन सॉइल यानी कि मिट्टी जो अभी गमलों में से निकली थी तो मैं जितना मैंने कोकोपीट और खाद लिया है उससे डबल मैन में मिट्टी मिला लूँगी और तीनों चीज़ों को आपस में हम बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे और बीच में जो भी कंकड़ पत्थर या दूसरे पौधों की जो रूट्स वगैरह हैं या कोई वीड्स हैं वो हमें मिलेंगे वो हम हटाते जाएंगे जिससे कि हमारा एकदम हेल्दी सॉइल बन जाए तो सब चीज़ों को मिलाकर सॉइल हमारा यहाँ पे तैयार है तो आप देखिए ऐसे मुट्टी बना मिट्टी बनाकर देखिए मिट्टी जुड़नी नहीं चाहिए उसके अंदर एयर होनी चाहिए और काफ़ी फ्लफी रहनी चाहिए मिट्टी तभी उसमें अच्छे तरीके से पौधे उग पाते हैं तो यहाँ पर हमारी मिट्टी एकदम रेडी है अब मैंने लिया है यहाँ पर एक सेमिक का पॉट और इसके अंदर मैं मिट्टी डाल दूँगी और इसको मैं भरूंगी लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा तो मैंने इसमें मिट्टी डाल ली है और बीच में थोड़ा सा हम इसमें स्पेस क्रिएट कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से आई एम सो सॉरी यहाँ पर शेडो पड़ रही है मैंने शायद ध्यान नहीं दिया कैमरा एंगल का तो आगे से ध्यान रखूँगी मैं उसके बाद हमने लिया एक हेल्दी कटिंग जेद प्लांट की और नीचे से हम इसमें से पत्तियाँ हटा देंगे जिससे कि रूट्स को डेवलप होने के लिए जगह मिले तो मैं एक पॉट के अंदर दो या तीन कटिंग लगाऊंगी डिपेंडिंग अपॉन कि पॉट का साइज कितना है तो मैंने कुछ तीन कटिंग रेडी कर ली है इस पॉट के लिए और इसमें मैं जो कटिंग लगाऊंगी उनको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर लगाऊंगी एक दूसरे से तीनों कटिंग्स को बहुत ज़्यादा पास में नहीं लगाऊंगी अगर हमने बहुत पास में लगाया तो रूट्स को नीचे डेवलप होने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो इस पॉट में मैंने लगा दी है कटिंग और उनको मैंने थोड़ा दूर दूर रखा है उसके बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे और फिर इनको प्रेस कर देंगे जिससे कि कटिंग्स जो हैं वो अपनी जगह पर सेट रहें और अपनी जगह से हिले नहीं तो ये एक पॉट हमारा तैयार है हम इसको साइड रख देते हैं और बाकी के पॉट भी हम अपने तैयार कर लेंगे तो सभी के लिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हेल्दी कटिंग चूज़ करनी है उसके नीचे से पत्तियाँ निकाल देनी है और फिर एक पॉट के अंदर दो तो या तीन कटिंग लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की पॉट कितना बड़ा है तो मेरे पास तो ये कुछ पेंट के डब्बे ही थे जो मैंने पहले पेंट करके यूज़ किए थे बाहर से तो उन्हीं में मैंने लगा दिया है easy, और ये जो मम्मी प्लांट है जेत का इसमें हम मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर दूंगी जो भी बीड्स वगैरह हैं वो निकाल दूंगी और ऊपर से मिट्टी को थोड़ा सा फ्लफी कर दूंगी जिससे कि हवा का सर्कुलेशन इसके अंदर बढ़ जाए तो ये भी मेरा पौधा रेडी हो गया है और दूसरे जेट प्लांट की भी मैंने कटिंग कर दी है तो अब हम इनको ले आए हैं जहाँ पर हमें इनको रखना है तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी होती है नए प्लांट्स के साथ नए प्लांट को आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि नया प्लांट जो है ना वो एक छोटा बच्चा है न्यूली बॉर्न बेबी है तो जैसे हम न्यूली बॉर्न बेबी की केयर करनी पड़ती है तो न्यूली बॉर्न बेबी को हम क्या करते हैं मम्मी के पास ही रखते हैं ना तो आप मम्मी प्लांट्स के साथ ही नए प्लांट्स को भी रखिए जिससे कि उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहे एकदम से तेज़ धूप नहीं पड़ेगी एकदम से बहुत ज़्यादा पानी भी मत दीजिए नए प्लांट को तो उनको आप मम्मी प्लांट के पास ही रखिए जिससे कि वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकें और जब इनमें ग्रोथ आने लगेगी नहीं ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी तो सारे पॉट्स मैंने रख दिए हैं और अभी मैंने इनमें पानी बिल्कुल नहीं दिया है जब इनकी मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद ही मैं इनमें पानी दूंगी तो अब नीचे चलते हैं और बनाते हैं हलवा तो आज जो हलवा हम बनाएंगे उसके लिए हम बेसन का यूज़ करेंगे तो आप एक कटोरी चूज़ कर लीजिए उसी से सारे मेज़रमेंट कीजिए यहाँ पर मैंने थ्री फोर्थ कप बेसन लिया है बारीक वाला बेसन है और ये है सूजी यानी कि रवा तो ये जो चम्मच मेरे हाथ में है इसी चम्मच से मेज़र करके मैंने चार चम्मच सूजी ली है अब इसके लिए चाहिए होगा हमें आधी कटोरी घी तो सेम कटोरी से नाप कर मैंने आधी कटोरी घी लिया है तो आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा हमें चीनी चाहिए होगी अगर आपको बहुत तेज़ मीठा पसंद है तो जितना आपने बेसन लिया है उतनी ही चीनी आप ले सकते हैं और ये केसर भिगो के रखा हुआ है मैंने कुछ एक मेवे हैं और ये इलायची के बीज हैं इनको मैंने पीस लिया है तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे सूजी और उसमें डाल देंगे दो चम्मच घी तो ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर कि कढ़ाई आपकी जो है वो हैवी बॉटम वाली होनी चाहिए और अगर आप मेरी तरह स्टील की कढ़ाई यूज़ करते हैं तो एकदम लगातार चलाते रहिए नहीं तो हलवा जलने का डर बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले हम सूजी को भून लेंगे क्योंकि सूजी भुनने में थोड़ा टाइम लगता है और अगर हम दोनों चीज़ें एक साथ डाल देंगे सूजी और बेसन तो सूजी कच्ची रह जाएगी तो इसलिए सूजी को आप पहले थोड़ा सा भून लीजिए और जब सूजी हल्की सी भुन जाए ऐसा कलर आ जाए सूजी पे हल्का सा ब्राउनिश की तरफ चला जाए तब आप उसमें बेसन ऐड कर दीजिए और बाकी का जो घी है वो भी ऐड कर दीजिए तो टोटल हमने इसमें आधी कटोरी घी डालना है और सूजी और बेसन मिलाकर ये भी पूरा एक कटोरी हुआ है तो एक कटोरी सूजी बेसन हो गया और आधी कटोरी घी तो घी डालने के बाद भी हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और लगातार चलाते हुए हम बेसन को भून लेंगे तो ये जो हलवा अभी हम बनाने जा रहे हैं ना इसका टेस्ट लगता है एकदम मूंग की दाल के हलवे के जैसा और ये बहुत जल्दी बन जाता है लगभग पंद्रह से बीस मिनट में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसके सामने मूंग की दाल का हलवा भी फेल है तो मूंग की दाल का हलवा जब हम बनाते हैं ना काफ़ी टाइम लगता है लेकिन ये झटपट बन जाता है तो उधर मैंने अपनी बेटी को बोला है कि जरा वो बेसन चलाती रहे और इधर मैं आपको बताती हूँ कि सिरप कैसे बनाना है तो चीनी हमने डाल देनी है एक पैन में और उसमें डालना है तीन कटोरी पानी तीन कटोरी पानी सलवे के लिए काफ़ी रहता है और इसको हम रख देंगे उबलने के लिए और जब तक ये उबलेगा तब तक हम अपने बेसन को भून के तैयार कर लेंगे तो बेसन हमारा भून के तैयार है और इस बेसन को भूनने में मुझे लगभग 10 मिनट का समय लगा है और मैंने एकदम सिम फ्लेम पर बेसन को भुना है अब मैं इसमें हल्का सा पानी का छीटा मार दूंगी पानी का छीटा मारने से क्या होता है ना हलवा एकदम खिला खिला बनता है वो चिपचिपा सा नहीं होता है और हलवे के अंदर एक दाना सा डेवलप हो जाता है जिससे खाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम मूँग की दाल का हलवा खा रहे हैं तो दो तीन बार मैंने पानी का छिटा दिया इसमें तो आप कह सकते हैं कि लगभग दो चम्मच पानी मैंने इसमें डाला है अभी तो ये चाशनी हमारी उबल चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर जो मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था केसर इसमें ऑप्शनल है आप चाहें तो ना डालें और ये सिरप जो है हम डाल देंगे हलवे के अंदर तो हम इसे धीरे धीरे डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो हलवे के अंदर गाँठे पड़ सकती हैं तो धीरे धीरे करके आप स्मॉल स्मॉल बैचेज़ में डालिए पानी को और लगातार चलाते रहिए शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ी सी गांठें बन गई हैं लेकिन फिर जैसे जैसे आप पानी डाल के चलाते रहेंगे ना तो गांठें अपने आप निकल जाएंगी और आपका हलवा रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने सारा सिरप डाल दिया है बेसन के अंदर और इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी जिससे कि एकदम स्मूथ हलवा रेडी हो जाए और अब हलवा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हलवे के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे ये देखिए सारी पिक्चर्स मैंने डाल दी हैं तो धीरे धीरे गा, हलवा गाढ़ा हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हलवा जो है वो एकदम रेडी है आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई से अलग होने लगा है और हलवे से घी भी अलग हो गया है तब तैयार होने के बाद मुझसे क्या गलती हुई कि मैं कैमरा सेट करने लगी और हलवा नीचे से थोड़ा सा चिपक गया तो आप ये गलती मत कीजिएगा गैस को जला मत छोड़िएगा हलवे के नीचे अगर गैस जली है तो लगातार चलाते रहिएगा और उसके बाद ध्यान से फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इलायची पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो हलवा हमारा एकदम रेडी है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये हलवा आप इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये पंद्रह मिनट में झटपट बन जाता है और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को मत बताइएगा कि इसके इंग्रीडियंट्स क्या हैं और उनसे बोलिएगा कि आप इसके इंग्रीडियंट्स को गेस करके बताइए कि हलवा किस चीज़ से बना है यकीन मानिए नहीं गैस कर पाएंगे तो मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है केसर के रेशों से और थोड़े से ड्राई फ्रूट से और हमारा सुपर टेस्टी हलवा एकदम रेडी है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए और मैं मिलती हूँ आपसे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए उपाय